गाइस, क्या आपको पता है कि अंग्रेजों ने 200 साल में हमारे देश भारत को, यानी कि उस समय के सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को कितना लूटा था? नहीं ना। अगर आप एक भारतीय हैं तो आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा। असल में अंग्रेज भारत में 17वीं शताब्दी से ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन कई सालों के रिसर्च के बाद उन्होंने भारत को लूटने का प्लान तैयार किया। और कहा यह जाता है कि साल 1765 से साल 1938 तक अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि करीबन 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी थी। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज के समय ये संपत्ति उन्हीं अंग्रेज देशों की इकोनॉमी के 20 गुना है। यहाँ तक कि ये संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका की इकोनॉमी से भी दुगनी है। यही नहीं, ये संपत्ति इतनी ज्यादा है कि हम इससे पाकिस्तान को लगभग 3 से 4 हजार बार खरीद सकते हैं। गाइस, अब आप ही सोचिए कि अगर ये पूरी संपत्ति इंडिया में होती तो आज इंडिया कहाँ का कहाँ होता। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने ग्रेजुएट चाय वाली और बीटेक चाय वाली के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने ग्रेजुएट कब्र वाली के बारे में सुना है? नहीं ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल चाइना में रहने वाली टेन नाम की ये लड़की एक कब्रिस्तान में काम करती है और इसके लिए उसे 45,000 रुपए महीने की सैलरी भी मिलती है। असल में टेन शुरू से ही सुकून की नौकरी करना चाहती थी और उनका मकसद नौकरी और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाना था। इसलिए उन्होंने ऑफिस के शोर शराबे से दूर चाइना की एक पहाड़ी पर मौजूद कब्रिस्तान में नौकरी करने का फैसला किया। यही नहीं, 22 साल की टैन एक टिकटॉकर भी हैं और अक्सर वो अपनी वीडियोस और पोस्ट में खुद को कब्र रक्षक कहकर गर्व और खुशी महसूस करती हैं। वैसे गाइस, आपका इस ग्रेजुएट कब्र वाली और इस सुकून भरी नौकरी के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, या यूं कहिए कि बनारस वालों के लिए मलइयों का। जी हाँ गाइस, बनारसी खाने का एक बेहद नायाब नमूना है मलइयों, जो खास तौर पर सर्दियों में ही बनाया जाता है। असल में इसे बनाने के लिए दूध को बहुत देर तक उबाला जाता है और फिर इसे रात भर ओस में रखने के बाद खूब फेंट कर तैयार किया जाता है। ये क्रीमी, फ्लफी और हल्का मीठा मलइयों लोगों को खूब पसंद आता है। यही नहीं, इसमें केसर, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और अन्य फ्लेवर इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं ये मलइयों स्वाद में लाजवाब तो है ही, साथ ही इसका एक फायदा भी है। चूंकि ये रात भर ओस में रख कर बनाया जाता है, इसीलिए ये हमारी आंखों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। तो गाइज, अगर इन सर्दियों में आप बनारस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मलइयों को खाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग स्वादिष्ट खाने की जगह जानने के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खाना अपने आप में एक मोटिवेशन है। मिलते अगली वीडियो में।